हेलो दोस्तों, आज हम कुछ फायर सेफ्टी का क्यूज आंसर क्वेश्चन लेके आए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर जब इसमें से आपको आंसर पता हो तो पहले आप सोच ले, और अगर जब आपको आंसर पता हो जाए पहले और इसमें जो आपको समझ में आए वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये फायर सेफ्टी के लिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आंसर क्वेश्चन है ये, शॉर्ट शॉर्ट क्यूज टाइप का। तो इसमें आपको फायर सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें। फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस सर्किल द करेक्ट आंसर। आप कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, कोई भी चॉइस कर सकते हैं और उसको सर्किल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड हॉट वर्क। कौन सी काम को हम हॉट वर्क में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, फर्स्ट में वेल्डिंग भी है, कटिंग भी है, ग्राइंडिंग भी है। ये तीनों क्या है, हॉट वर्क का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। सेकेंड में हम देख रहे हैं, द थ्री एलिमेंट्स नीड फॉर फायर इंक्लूडिंग। क्या कौन से थ्री एलिमेंट यहाँ पे जो फायर के लिए इंक्लूड होता है, फायर के लिए जरूरी है। तो आंसर कौन सा होगा, फ्यूल होगा, ऑक्सीजन होगा, हीट होगा। ये तीनों चीज़ इसमें फायर के लिए एकदम जरूरी है। फ्यूल भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, हीट भी चाहिए। तो इसका ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। इसमें भी डी आंसर होगा और यहाँ पे भी पहले वाला में भी डी आंसर था। थर्ड में हम देखें, द एक्रोनिम फॉर प्रॉपर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर वे कौन सा है उसका हम बात करते हैं। फर्स्ट में दिया होगा पास्ट, सेकेंड में दिया है पास, सी में दिया है पाल्स और डी में नन ऑफ एबव। यहाँ पे जो सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना, बी होगा। पास मेथड से हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। पी फॉर पुल द पिन, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, एस फॉर एक्सक्यूज द हैंडल एंड एस फॉर स्वीप ऑन द बेस ऑफ फायर। तो यहाँ पे बी इसका आंसर होगा, थर्ड का। ये बी आंसर इसके लिए सूटेबल है। यहाँ पे फोर्थ में देख रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्पेक्टेड मंथली एंड सर्विस एनुअल बाय थर्ड पार्टी। बोल रहा है फायर एक्सटिंग्विशर का मंथली इंस्पेक्शन करना चाहिए और साल में एक बार थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाना चाहिए या नहीं। तो ट्रू होगा, इसमें ट्रू और फॉल्स बोल रहा है डालने के लिए। तो यहाँ पर ट्रू होगा, ये फोर्थ का जो आंसर होगा ना, ट्रू मतलब सही है। फिफ्थ में हम देखें, एयर प्रेशराइज वाटर एक्सटिंग्यूशर APWR आर सूटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। एयर प्रेशराइज वाटर टाइप जो एयर प्रेशराइज एक्सटिंग्यूशर है वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए सूटेबल होता है या नहीं होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। इसका आंसर फॉल्स होगा, ये इसका आंसर फॉल्स होगा, गलत है। इलेक्ट्रिकल फायर पे हम कभी भी वाटर वाला एक्सटिंग्यूशर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए CO2 एक्सटिंग्यूशर बनाया गया है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। सिक्स में हम देख रहे हैं, फायर वॉच शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑल हॉट वर्क एक्टिविटी। बोल रहा है फायर वॉच हॉट वर्क के टाइम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें परफॉर्म काम करना चाहिए, काम हॉट वर्क से पहले, हॉट वर्क के बाद भी। तो वहाँ पे फायर वॉच हॉट वर्क एक्टिविटी खत्म भी हो जाता है तो कम से कम आधे घंटे वहाँ पे रहना है लोकेशन पे, और उससे पहले भी लोकेशन पे फायर वॉच को रहना है। तो ये ट्रू होगा इसका आंसर, सिक्स का मतलब ये सही है। यहाँ पर सेवेंथ नंबर में हम देख रहे हैं, क्लास ए फायर्स इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विड। बोल रहा है क्लास ए फायर में फ्लेमेबल लिक्विड आता है क्या। क्लास ए फायर में सॉलिड फायर होता है, मतलब सॉलिड फायर में क्या हो जाएगा, वुड, क्लॉथ, पेपर, ये सब ए क्लास फायर में आता है। तो ये क्या फॉल्स है, मतलब गलत आंसर है। यहाँ हम देख रहे हैं, एम्प्लॉय हु मे बी एक्सपेक्टेड टू यूज अ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर नीड टू बी ट्रेंड। बोल रहा है जो एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना, वो ट्रेंड होना चाहिए कि नहीं, उसके पास ट्रेनिंग होना चाहिए कि नहीं। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो भी इस्तेमाल करेगा उसके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये ट्रू है, मतलब सही आंसर है। नंबर में हम देख रहे हैं, वन शुड नेवर फाइट अ फायर इफ देयर सेफ्टी इज इन क्वेश्चन। बोल रहा है सेफ्टी अगर कोई क्वेश्चन में हो तो वहाँ पर कभी भी फायर के साथ फाइट नहीं करना है। तो ये सही है, मतलब ऐसा कुछ हो तो ये ट्रू आंसर है, ऐसा कुछ नहीं करना है वहाँ पे। कुछ भी सेफ्टी का क्वेश्चन आ रहा है तो फायर के साथ हमको फाइट नहीं करना है, मतलब फायर वगैरह नहीं बुझाना है। अगर आपको ऐसा सेफ्टी में वहाँ पे लग रहा है कुछ नुकसान होने वाला है
तो आपको फायर के साथ फाइटिंग नहीं करना। टेंथ में हम देख रहे हैं इफ पॉसिबल हॉट वर्क शुड बी मूव्ड और परफॉर्म्ड इन एरिया विथ लेस हजार्डस पोटेंशियल। बोल रहा अगर ये पॉसिबल हो तो हॉट वर्क हमेशा ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर हजार्ड का खतरा हो। तो ये भी ट्रू है कि हम इस जगह पे अगर पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, ये अच्छा सेफ जगह है, तो हजार्डस एरिया से अच्छा है कि हम विदाउट हजार्डस एरिया में हम काम कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है कि यहाँ से मैं काम करने के बाद फिर वहाँ पे ये सामान हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको यही लोकेशन चूज करना चाहिए। तो ये भी आंसर ट्रू है, इसमें ट्रू आएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन और आंसर था फायर सेफ्टी के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहें।